अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ कि हम लोग मलाई से, जो कि हम दूध के ऊपर से उतारते हैं, उसको हम जमा करते रहते हैं, उससे हम घर में फ्रेशली मक्खन जो है वो कैसे तैयार कर सकते हैं, अपने पराठे, अपने घर के खाने कैसे मज़ेदार लजीज बना सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो की कोई भी एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी, अदरवाइज आपका जो मक्खन की रेसिपी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। चलें अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है, ये देखिए, एक बाउल मलाई का लिया है। ये मलाई जो है मैं जमा करती रहती हूँ दूध के ऊपर से उतार के, और फिर मैं इसको फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। तो ये मलाई फ्रीज़ थी, तो मैंने 3 से 4 घंटे जो है मलाई को बाहर निकाल के रखा था। तो मलाई जो है वो बिल्कुल नरम हो गई है, मेल्ट हो गई हुई है अच्छे से। आपने इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपकी मलाई जो है अच्छे से मेल्ट हो गई हो। और ये काफ़ी चिल है, और ये एक जग जो है मैंने चिल पानी का लिया है, ठीक है। तो ये भी हम साथ साथ इस्तेमाल करेंगे, पूरा जग हमने इस्तेमाल नहीं करना, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम साथ साथ पानी जो है वो ऐड करते जाएंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज की। ये मलाई का बाउल आप देख सकते हैं, इसको मैं 2 पार्ट्स में करके बनाऊंगी। पहले हाफ बाउल डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसका मक्खन निकालेंगे, फिर बाकी बाद में हाफ बाउल डालेंगे। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मलाई जो है वो मैं डाल रही हूँ। मलाई काफ़ी चिल है, आज की मलाई जो है इससे जो हम मक्खन निकालेंगे बिल्कुल बाजार जैसा मक्खन निकलेगा। आप लोग बाजार का मक्खन भूल जाएंगे, घर का साफ सुथरा मक्खन आप लोग निकाला करेंगे। और आप लोग अपने बाकी रिलेटिव, अपने बहन भाइयों, अपने दोस्तों सबको बताएंगे कि हमने मक्खन जो है इस तरीके से निकाला है, घर का साफ सुथरा मक्खन। तो गर्मी हो सर्दी हो, मक्खन जो है वो बहुत ही हमें उसकी ज़रूरत होती है। अब ये देखिए, मैंने हाफ बाउल जो है मलाई का डाल दिया ग्राइंडर के अंदर। अब थोड़ा सा इसके अंदर जो है तकरीबन 1 कप या आधा कप के बराबर जो है आपने चेक कर लेना है, वो इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। इतना पानी ऐड करना है कि आपकी ग्राइंडर के अंदर मलाई जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो सके। चलें इसको हम ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। या आप देख सकते हैं कि इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, तो हमें इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा थिक हो रहा है, चलें इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके देखते हैं। ये देखें, 2 से 3 मिनट हो गया, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड किया है। पानी हल्का सा उसके अंदर ऐड किया था, तकरीबन 1 कप के बराबर जो है मैंने पानी ऐड किया था, जितना मैंने मलाई ली थी। ये देखें कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारा मक्खन तैयार है। अब इसको हम निकालते हैं, इसके जो लस्सी है वो सेपरेट करेंगे, जो पानी हमने ऐड किया था उसको लस्सी कहते हैं, ठीक है। एक साफ बाउल लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मक्खन जो कि हमारा निकल गया है, बड़ा ही कमाल का ज़बरदस्त मक्खन। आगे सर्दियां आ रही हैं, और सर्दियों में जो आपको पता है मक्खन की शदीद ज़रूरत होती है। और आप लोग अपने बच्चों को, अपने घर वालों को मक्खन खिलाएँ, जाने बनाएँ, ताकतें बनाएँ, एनर्जेटिक हो जाएँ आप लोग, और जितने मर्जी काम करें। अब इसको हम लस्सी से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखें ऐसे हम इसको, आपने प्रेस करना है, हाथ से भी आप प्रेस कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल चम्मच की मदद से इसको सेपरेट कर रही हूँ। आपने लस्सी जो है, पानी जो था वो इसके अंदर ही रहने देना है, क्योंकि आपने बाकी जो मलाई आपकी बाउल, हाफ बाउल रह गया है, आपने इसी पानी के अंदर उसका मक्खन बनाना है। चलें हम बनाते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ भी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, पहले इसको साफ़ कर। ये देखिए, मैंने जग में से अपना मक्खन जो बना था वो निकाल लिया है। अब बाकी मलाई ऐड करते हैं, और पानी जो है मैं मज़ीद इसके अंदर ऐड नहीं कर रही, वही पानी है। अब जो बाकी मलाई थी वो भी ऐड कर दी है। अब इसका भी अच्छे से हम लोग मक्खन निकाल लेते हैं, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें, बाकी रिमेनिंग जो मलाई थी उसका भी मक्खन निकाल लिया है। अब इसको इस बाउल के अंदर जिसमें हमने पहले मक्खन निकाला था निकालते हैं, और इसको पानी, ये जो लस्सी है, इससे सेपरेट करते हैं। आपने सारा जो है मक्खन अच्छे से निकाल लेना है, पानी उसमें से अच्छे से सेपरेट कर देना, पानी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, वरना तो मक्खन का मज़ा नहीं आएगा। ये देखें, सारा मक्खन जग में से निकाल लिया है, पानी वो जो लस्सी टाइप थी वो हमने सेपरेट कर लिया। अब इसके अंदर ज़रा बराबर भी जो है वो पानी नहीं है। आपने इस तरह इसको अच्छे से पानी से सेपरेट कर लेना है। मज़ेदार घर का फ्रेश साफ सुथरा मक्खन तैयार है।
आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।